अस्सलामुअलैकुम। आप लोगों के कमेंट्स पर मैं आज न्यू बॉर्न बेबी के झबला और टोपी बता रही हूँ। न्यू बॉर्न बेबी के लिए हमको झबले की लंबाई 10 से 11 इंच रखना होती है और चौड़ाई हम 6.5 इंच लेंगे। ये हमारे पास कपड़ा रखा हुआ है, हमको 11 इंच लंबाई लेना है तो हम इसको 12 इंच ले लेंगे। और डोरी वाला झबला बना रही हूँ मैं, तो ऊपर जो है डोरी के लिए डोरी डालने वाला हिस्सा हम 1.5 इंच का लेंगे। अब ये डबल कपड़ा है हमारा, आगे का पीछे का, चौड़ाई हम इसकी लेंगे 12 इंच। ये है हमारी पूरी 12। ये 14 हो गया सिलाई का और डोरी का सब साथ में, यहाँ से ये 14। अब हम इसको मिलाकर कटिंग कर लेंगे। दो इंच हमारा नेफे का है, हम यहाँ पर 2.5 इंच का निशान ले लेंगे, 2.5 इंच। और ये 2.5 इंच के बाद हम आर्म होल का हिस्सा 4 इंच रखेंगे। ये 2.5 इंच और ये आर्म होल के साथ 4 इंच, ये 4 इंच पर हम कट करके रख लेंगे। इसको हमको डोरी लगाओ या पाइप से ही फोल्ड कर दो। ये हो गया हमारा। अब इसमें से बैक साइड का एक हिस्सा हटाकर आगे वाले हिस्से को हम 1.5 इंच तक कट मारेंगे। ये 2 इंच का निशान है, हम 1.5 इंच तक कट मारेंगे। डोरी डालने के लिए हम सिर्फ इसमें इतना फोल्ड करेंगे। अब मैं आपको सिल के दिखाती हूँ। डोरी के लिए हमने क्रीम कलर का कपड़ा लिए हैं और इसको डोरी बनाने के लिए हमको ऐसा क्रॉस वाला कपड़ा ज़रूरी होता है। हम इसको काट रहे हैं, ये पट्टी में बीचों बीच एक निशान ले लेंगे ताकि आपको सिलने में आसानी हो। अब ये हमारा कटिंग वाला हिस्सा हम इस निशान पर रखकर सिलाई करेंगे 1/2 इंच पर। अब ये सिलाई हो गई है हमारी, इसको हम कट करेंगे। ये नोक पर हल्का हल्का सा कट मारेंगे, सिलाई नहीं कटनी चाहिए, और इसको फोल्ड करके एक दाब सिलाई लगा लेंगे। इसको फोल्ड करके एक दाब सिलाई सिलाई हो गई है। अब इसको हम पलट के इस पट्टी को फोल्ड कर लेंगे ऐसे। हमारी फोल्ड हो चुकी है। अब इस पे हम बैक साइड का हिस्सा रख के ये 2 इंच पर सिलाई करेंगे दोनों साइड। आधे इंच की सिलाई ले लेंगे ताकि आर्म होल मोड़ने में आपको आसानी हो हमारे कटिंग का निशान में। अब हम आर्म होल को फोल्ड करेंगे। अब हम गले में डोरी डालने वाला हिस्सा सिल रहे हैं। ये हमारा डोरी डालने वाला हिस्सा रेडी हो। डोरी हम मीडियम साइज की सिलेंगे, 1.5 इंच की जो पट्टी मैंने काट के बताई थी आपको उस पर ये सिल रहे हैं। ये हमारी डोरी सिल गई है। अब इसको हम पलटाएंगे। पलटाने के लिए हम कपड़े में ही गांठी लगा लेंगे। और ये उल्टी सुई
कपड़े के अंदर से पास करेंगे। ये हमारी डोरी एकदम इजी सीधी हो जाएगी। ये डोरी में से हमारी सुई बाहर आ गई है। अब हम डोरी को पलटाएंगे, ये हिस्से को पकड़ के ऐसे खींचते जाएंगे। अब ये डोरी को हम कांटे की मदद से इसमें से गले के हिस्से में डालेंगे। बच्चों का गला मिनिमम आगे का 2.5 पीछे का 3 उतना, वो तो आप बच्चे को जब पहनाएंगे उस वक्त इसको एडजस्ट कर लेंगे। हमारा डोरी वाला झबला तैयार हो गया। यहाँ से हाथ डालेंगे बच्चे का, ये गले का हिस्सा।